कोरबा जिले के रामपुर विधानसभा सीट के लिए अब तक किसी भी दल ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, मगर अपना टिकट फाइनल मान कांग्रेस से श्यामलाल कंवर और भाजपा के ननकीराम कंवर ने अपनी अपनी दावेदारी पेश करने के साथ ही चुनावी तैयारी भी शुरू कर दी है। ननकीराम कंवर का कहना है कि उनके अलावा कोई और विकल्प नहीं। ऐसे में जहां ननकीराम कंवर अपनी दावेदारी पुख्ता मान रहे हैं, तो वहीं वर्तमान विधायक श्यामलाल कंवर को भी उम्मीद है कि पार्टी उन्हें ही टिकट देगी। विधानसभा चुनाव 2013 में भी कांग्रेस की ओर से श्यामलाल कंवर और भाजपा की तरफ से ननकीराम कंवर आमने सामने थे। पिछले 5 सालों में रामपुर विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा विकास के काम नहीं हो सके हैं और न ही विधायक श्यामलाल कंवर क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय नजर आए, जिससे क्षेत्र में असंतोष नजर आ रहा है। राष्ट्रीय दलों ने भले ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की हो, मगर दोनों ही दलों ने संभावित प्रत्याशी अपने दावेदारी पुख्ता मानकर चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। कि रामपुर क्षेत्र की स्थिति कांग्रेस के लिए अच्छी है। लगातार मेरे द्वारा भ्रमण किया जा रहा है, लोगों की समस्याओं का को सुलझाया जा रहा है और जहां तक हो सके पानी और बिजली और रोड और शिक्षा के बारे में निरंतर जो है प्रयास किया जा रहा है। जहां साल में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जितना विकास हुआ, मैं समझता हूं कि इतना विकास 60 साल में नहीं हुआ था। पहाड़ों तक कोच रोड प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत में पहुँच गया है। लोकर मना बात इंटीरियर है, वहाँ भी ये लगा हुआ है सरगुजा के बॉर्डर से, वहाँ भी एक कोच रोड बन चुका है। इस तरह से विकास मुख्य मुद्दा है हमारा।